नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसल्टिंग के बारे में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग के बारे में, डे इन द लाइफ ऑफ कंसल्टेंट के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मेक श्योर तुम इसको एंड तक देखना। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, मैं 2017 में आई एम क्वेरी कोर्स से ग्रेजुएट किया था। उसके बाद आई वर्क विद 3 ईयर्स विद अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म, इंडिया लार्जेस्ट ओन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद मैं दूसरी जॉब में हूँ अभी। तो मैंने एक्चुअली पूरी लिस्ट बनाई हुई है, तो कैसे चालू करें। लेट्स स्टार्ट विद द गुड पार्ट ऑफ द बैड पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द गुड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो तुम लोगों ने देखा होगा कैंपस वगैरह में अपने रिश्तेदारों के द्वारा, कजिन भैया भाभी के द्वारा, कि कंसल्टिंग जॉब्स आर द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स इन द कैंपस और ऑफ कैंपस एज वेल। कभी तुमने सोचा है क्यों? चलो मैं तुम्हें आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 8 रीजंस बताता हूं क्यों कंसल्टिंग जॉब्स आर द बेस्ट जॉब्स एंड यू शुड डू कंसल्टिंग फॉर श्योर इन योर लाइफ फॉर मिनिमम 2 to 3 ईयर्स। नंबर 1 इज एक्सपोजर, एक्सपोजर, एक्सपोजर। कंसल्टिंग जॉब्स आर द बेस्ट जॉब्स फॉर गिविंग यू सो मच लर्निंग इन द कंडेंस अमाउंट ऑफ टाइम। जो आप नॉर्मल इंडस्ट्री में 4 साल में सीखते हो, वो आप कंसल्टिंग में 2 साल में सीख जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल गया, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग होता क्या है। एक्चुअली बहुत सारी कंसल्टिंग होती है, आईटी कंसल्टिंग, सप्लाई चेन कंसल्टिंग, हेल्थ केयर कंसल्टिंग, हर एक सेक्टर की कंसल्टिंग होती है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट कंसल्टिंग की, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मैनेजमेंट। जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं कंपनी की ग्रोथ को करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, या फिर प्राइस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फिर मार्केट रिसर्च के लिए, ये जनरली होती है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। और यहाँ पर आप जनरली CXOs, बोर्ड, फंक्शन हेड के साथ काम करते हैं बहुत, और योर इंटरेक्शन इज विद द टॉप लेवल ऑफ द कंपनी, राइट। सो नंबर 1 जो मैं तुम्हें बता रहा था, बेनिफिट्स और गुड पार्ट ऑफ कंसल्टिंग इज द एक्सपोजर। आपको बहुत गजब नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर मिलता है अगर आप एक अच्छी टॉप 5-6 कंसल्टिंग कंपनी के साथ आप काम करते हैं, क्योंकि जो आप नॉर्मल इंडस्ट्री में 4 या 5 साल में सीखेंगे, आप वो 2 साल में सीख जाते हैं। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टर्म्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। नंबर 2 इज आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत 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 प्यारा होता है, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आप कोई प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है, आप कोई सर्विस तो बेचते नहीं है, आप अपने ज्ञान बेचते हैं, आप ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तो आपकी जो स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। वेदर हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू टेल अ स्टोरी, हाउ डू यू राइट, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज कंसल्टिंग में आप क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आप एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है वो भी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी है, तो आपका जो क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। नंबर 4 इसमें स्किल्स में हाउ टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू। आपको बोलेंगे अच्छा आज आपको स्टील इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करना है, कल आपको टेलीकॉम में करना है, या फिर आपको ऑयल एंड गैस में करना है, तो विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आप बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी आपको सीखने की स्किल्स आती है। ओके, नाउ गुड पॉइंट नंबर 3 इज फंक्शंस। मतलब आप जब आप कंसल्टिंग में होते हैं तो आपका जो एक्सपोजर होता है इन टर्म्स ऑफ आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के साथ काम कर रहे होते, कभी आप सेल्स टीम के साथ काम कर रहे हैं, कभी मार्केटिंग टीम के साथ, कभी फिनेंस टीम के साथ, कभी लीगल टीम के साथ, तो आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिलता है, राइट। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे जिसमें मैं फिनेंस के साथ काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग के साथ काम कर रहा हूँ, ब्रांडिंग के साथ काम कर रहा हूँ, पीआर के साथ काम कर रहा हूँ, लीगल के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ आप काम करते हैं, तो आपका एक्सपोजर बहुत गजब होता है। और आप कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी काम करते हैं, मतलब आप कभी, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल में प्रोजेक्ट किया, मैंने स्टील में प्रोजेक्ट किया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट किया, मेरे दोस्तों ने अलग अलग चीज़ों में प्रोजेक्ट किया, किसी ने ई कॉमर्स में किया, तो आप 2-3 साल में ही आपके प्रोजेक्ट होते हैं 6 महीने के, 5 महीने के, साल भर के, तो आपको बहुत ज़्यादा गजब अलग अलग इंडस्ट्रीज का भी एक्सपोजर मिलता है। उसके साथ साथ आप CEO के साथ भी काम कर रहे हैं, आप सेल्स हेड के साथ भी काम कर रहे हैं, आप एरिया सेल्स मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं, आप एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है आप उसके साथ भी काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप फाइनेंस में काम कर रहे हो तो CFO के साथ काम कर रहे हो, आप फाइनेंस हेड के साथ काम कर रहे हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ काम कर रहे हो, तो जो आपका विड्थ होता है टॉप टू बॉटम भी बहुत ज़्यादा होता है, और लेंथ वाइज और विड्थ वाइज बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहता है। नंबर 4 जो बेनिफिट है कंसल्टिंग में काम करने का, इस आप
जब आप किसी क्लाइंट के साथ आप काम करते हैं तो आप उसका आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। आप अपनी दिमाग के द्वारा, आप अपने समझ के द्वारा किसी क्लाइंट के लिए आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं, वो जनरली दिखता है, राइट। अगर आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है या फिर सेल्स बढ़ाना है या फिर आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वो एक टारगेट को रीच आउट करने के लिए होता है, और जब वो टारगेट रीच आउट हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। नंबर 5 बेनिफिट इज नेटवर्क। आप क्योंकि आप इतने बड़ी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में काम करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के साथ काम करते हैं, तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप 2-3 साल काम करते हैं तो आप 5-6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप CEOs के साथ बैठते हैं, आप CFOs के साथ बैठते हैं, आप फंक्शन हेड के साथ बैठते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग हेड के साथ बैठते हैं, लीगल हेड के साथ बैठते हैं, तो आपका जो नेटवर्क होता है वो भी काफ़ी 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 अच्छा हो जाता है। नंबर 6 इज जनरली जो बहुत सारे लोग जाते हैं, पैकेजेस, पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है कंसल्टिंग कंपनीज में। अगर आप किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे या फिर एवरेज पैकेजेस देखेंगे सेक्टर वाइज या फंक्शन वाइज, आपको दिखेगा कि कंसल्टिंग कंपनीज सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि उनको बेस्ट लोग चाहिए होते हैं और बेस्ट लोग के लिए वो बेस्ट पैसा देने को रेडी होते हैं। मेरे टाइम पर जब कैंपस पे प्लेसमेंट हो रहे थे, तो 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो कंपनीज हो रही थी वो 20 लाख 25 लाख तक पैकेज देती थी, जो कि एक 25-26 साल के बच्चे के लिए बहुत 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 ज्यादा होता है। नंबर 7 इज आपके जो एग्जिट ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप कंसल्टिंग में बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे सेक्टर्स के साथ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो आपके एग्जिट ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभार लोग अपने क्लाइंट के साथ ही जुड़ जाते हैं, उधर ही आप ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आप स्टार्टअप्स में जा सकते हैं, या फिर आप कंसल्टेंट हैं तो आप कोई दूसरी इंडस्ट्री में स्विच मार सकते हैं। आपके पास फंक्शन और इंडस्ट्री के ऑप्शंस रहते हैं अलग, क्योंकि आप अलग जगह से एक्सपोज हो चुके हैं, राइट। और नंबर 8 जो कि बहुत ग्लैमरस होता है, जो लोग देखते हैं, ट्रैवल करने को आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी कंसल्टिंग में ही है, वो अभी फिलीपींस में है, और मेरे दूसरे दोस्त हैं वो US में घूम के आते हैं, और ये तो इंटरनेशनल हो गया डोमेन। आप ट्रैवल को आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग जो यंगस्टर होते हैं, जैसे मैं जब कंसल्टिंग में था तो मैं वीक में 2 फ्लाइट्स लेता था जनरली, या फिर 2 वीक में 3 फ्लाइट या 2 फ्लाइट होता थी, तो मैंने 3 साल में कम से कम 12 महीने 1 महीने में 4 फ्लाइट मिनिमम, तो साल में मेरी 50 फ्लाइट, तो करीब करीब मैंने 3 साल में 80 फ्लाइट्स ली थी। तो फ्लाइट आप बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में रुकते हैं, आप अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा पर्क होता है, तो आपको बहुत सारे माइल्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रहती है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो 8 बेनिफिट मैंने आपको गिनाए। नंबर 1 इज एक्सपोजर, नंबर 2 स्किल्स, नंबर 3 इज आपका आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन सेक्टर्स लेवल्स में आप काम करते हैं, नंबर 4 आप डायरेक्ट वैल्यू एड करते हैं, नंबर 5 आपका नेटवर्क ग्रो होता है, नंबर 6 आपका पैकेजेस, नंबर 7 एग्जिट ऑप्शन, नंबर 8 is the travel part of that. Now talking about the bad side, हर चीज़ की, किसी चीज़ की इतनी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो बेस्ट साइड नंबर 1 इज जो मैंने तुम्हें बताया कि टू गेट इन टू कंसल्टिंग इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, समझ लो बहुत आसान नहीं होता है कंसल्टिंग में घुसना। आपकी प्रोफाइल बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके जीवन में कुछ उखाड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। नंबर 1 इज दिस वॉज नंबर 1। नंबर 2 इज आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आवर्स। जैसे अभी ट्विटर का चल रहा है तो आपको 10 घंटा 12 घंटा कभी कभार 14 घंटा, डिपेंड्स आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या टाइम लाइन्स हैं। देवर टाइम्स जब मैं सैटरडे संडे को भी काम करता था ऑफिस में, कभी कभी 1-2 बजे तक भी रुकते थे, लेकिन वो कभी कभार होता था अगर आपका क्लाइंट के साथ रिव्यू है तो। नंबर 1 इज आपका घुसना बहुत मुश्किल होता है, नंबर 2 इज बहुत ज़्यादा इट्स अ डिमांडिंग जॉब, नंबर 3 इज एवरी डे यू आर जज्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक अच्छा कर दिया तो आप, बट एवरी डे इज अ परफॉर्मेंस डे, एवरी डे यू हैव टू बी एट योर पीक बिकॉज इट्स अ हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर। मतलब डेली आपको मेहनत करनी है, त्याग करना है, तपस्या करनी है, अपने आप को प्रूव करना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गो रॉन्ग, एवरीथिंग गोज बाई डेडलाइंस, एवरीथिंग गोज बाई टाइम लाइंस, राइट। नंबर 3 इज योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर बॉस, ऑफ योर पार्टनर, ऑफ द CEO आर वेरी हाई फ्रॉम यू, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फेल। आप छोटी से छोटी गलती भी नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। नंबर 5 इज योर प्रोफाइल इज जर्नलिस्ट बिकॉज आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, आप अलग अलग फंक्शन में काम करते हैं, आप इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो आपकी प्रोफाइल एक जर्नलिस्ट की हो जाती है, विच माइट बी अ गुड थिंग और माइट नॉट बी गुड थिंग, आई एम नॉट श्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 साल कंसल्टिंग में काम करते हैं तो आप 10-12 डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन अगर 5 साल आप लेट से सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप सीमेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो जाते हैं, ऐसा कंसल्टिंग में नहीं होता है। नंबर 6 इज कभी कभार देखा जाता है कि
आपने बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बना दी हैं स्लाइड्स पर, आपने बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, लेकिन उसके बाद वो रिकमेंडेशंस और वो स्ट्रेटजी कितनी एग्जीक्यूट होती है और कितनी एग्जीक्यूटेबल होती है या नहीं होती है आपको नहीं पता है, और वो कभी कभार गलती भी हो जाती है उसमें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो जनरली एक बहुत ज़्यादा अजम्पशन पे बनी होती है। और आपका जनरली तो मार्केट में लोग ये भी बोलते हैं कि यार कंसेप्शन चाहते हैं, खाली स्ट्रेटजी बना के चले जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है और जितना एग्जीक्यूट हुआ है जो फाइनल रिजल्ट आया माइट नॉट मैच ऑल द टाइम। इसीलिए आजकल इंडिया में इंडस्ट्रीज में देखा जा रहा है कि जो कंसल्टिंग है उसमें बोलते हैं भैया कंसल्टिंग में आप कंसल्ट तो करो ही, स्ट्रेटजी बनाओ बट उसको एग्जीक्यूट भी करो। तो दिस कुड बी वन बैड साइड ऑफ कंसल्टिंग। लास्ट इज परसेप्शन, पॉइंट नंबर सिक्स इज परसेप्शन। जनरली देखा जाता है जैसे आप कभी जाते हैं किसी क्लाइंट के यहाँ पर, तो जो सीईओ ने तो प्रोजेक्ट दे दिया लेकिन उसके बाद जो नीचे लोग होते हैं उनका जो कंसल्टेंट्स के प्रति परसेप्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो बोलते हैं अरे यार और काम मिल जाएगा, अरे लोग यार ज्ञान ज्ञान बांट के बांटने भी आ जाते हैं, ये लोग कुछ करते नहीं है, हमारा डेटा हमको चुपका देते हैं। तो एक जोक है इंडस्ट्री में दैट अ कंसल्टेंट इज समबडी हु विल टेक योर वॉच एंड टेल यू द टाइम, राइट। तो एक परसेप्शन है, कभी कभार तो नेगेटिव भी होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है। लोग बोलते हैं कि यार कंसल्टेंट तो जिनकी जिंदगी मजे की है, बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा भी बहुत कमाते हैं, पार्टी भी बहुत करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट पॉइंट इज ट्रैवल। ट्रैवल इज बोथ अ गुड थिंग एंड अ बैड पॉइंट इज वेल, क्योंकि जो लोग कुछ लोगों को ट्रैवल पसंद नहीं होता है, या फिर कभी कभार आपको क्या होता है आपका प्लांट जो आपका क्लाइंट है वो बहुत फार ऑफ लोकेशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री है झरसागुड़ा में उड़ीसा में, वहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो आपको 5 बजे उठकर सुबह फ्लाइट लेनी पड़ती है, फिर आप फ्लाइट लेकर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, मेन एयरपोर्ट पर वहाँ से आप कैब लेते हैं, फिर आपको 3 घंटे बाद कैब के पास टाइम के पास जाना पड़ता है, पूरे दिन काम करना पड़ता है मंडे टू फ्राइडे, फिर फ्राइडे नाइट को फ्लाई करके फिर घर आना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को इतना पसंद नहीं होता है, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं या फिर जिनको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, या फिर जो थोड़ा एक जगह पे ही काम करना चाहते हैं, तो वो भी कभी कभार एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन। नंबर टू इज एवरीथिंग एवरी डे इज अ परफॉर्मेंस डे, यू हैव टू परफॉर्म। नंबर थ्री इज वेरी टाइम ओरिएंटेड टाइम डिमांडिंग जॉब। नंबर फोर योर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। नंबर फाइव यू बिकम अ जर्नलिस्ट जनरली। नंबर सिक्स इज स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन में काफी फर्क होता है। नंबर सेवन इज परसेप्शन के इश्यूज होते हैं कभी कभार। नंबर एट इज इफ लॉ ऑफ ट्रैवलिंग, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो। तो ये है कहानी दोस्तों, मैंने तुम्हें अच्छाइयाँ भी बता दी हैं 8 पॉइंट और बुराइयाँ या फिर डार्क साइड भी बता दी है 7-8 पॉइंट। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे और सुनोगे तो मैं तो यही बोलता हूँ सबको, हर किसी को, अगर आप MBA के ग्रेजुएट हैं अच्छे कॉलेज से, तो हर किसी को कंसल्टिंग में 2-3 साल तो मिनिमम काम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो लर्निंग कर्व होता है ना वो ऐसा नहीं होता है, वो लर्निंग कर्व ऐसा हो जाता है। तो 2-3 साल आप काम कीजिए, आपका जो बेस होता है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो सोचने वाली स्किल्स होती हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। और आपको वो हर एक जो आप दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर स्टार्टअप में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, आपकी कनेक्शंस, नेटवर्क, थिंकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो कम से कम 3 साल तो आपको रहना ही चाहिए, 2-3 साल, उसके बाद आप एक अच्छी सी एग्जिट ले सकते हैं वहाँ से और आपका अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। मुझे आप बताओ आपकी क्या ओपिनियन है कंसल्टिंग के बारे में, अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं तो वो आपका जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसिस के बेसिस पर है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ तो करो, और अगर आपके पास कोई फॉलोअप क्वेश्चंस हैं तो नीचे डाल देना, मैं आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।